एमपीएससी की परीक्षा नहीं होने से अमरावती के छात्रों ने रास्ता रोको आंदोलन किया था। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया जिसमें दर्जनों विद्यार्थी जख्मी हुए थे। विधायक अनिल बोंडे द्वारा पुलिस अधिकारियों को जवाब पूछे जाने पर पुलिस अधिकारी ने विधायक अनिल बोंडे के साथ अभद्र व्यवहार किया। कोरोना को देखते हुए सरकार के आदेश पर प्रशासन द्वारा एमपीएससी परीक्षा की अगली तारीख दी गई है, जिससे एमपीएससी की दिन रात पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों में रोष व्याप्त है। एमपीएससी परीक्षा को पांचवी बार पोस्टपोन किए जाने से अमरावती के छात्रों में खलबली मची, जिसके चलते अमरावती के पंचवटी चौक में सैकड़ों विद्यार्थियों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। रास्ता रोको आंदोलन किए जाने से यातायात प्रभावित हुई थी। घटनास्थल पर अमरावती पुलिस पहुंची और रास्ता रोको करने वाले विद्यार्थियों पर बेछूट लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में कई विद्यार्थी जख्मी हुए हैं। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी को विधायक अनिल बोंडे ने सवाल जवाब करते ही पुलिस ने अनिल बोंडे को सरकारी काम में रुकावट पैदा करने के आरोप में धक्का मुक्की करते हुए पुलिस वाहन में बिठाया। कोरोना का नाम आगे कर एमपीएससी की परीक्षा से विद्यार्थियों को वंचित रखा जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों की उम्र बढ़ रही है। 7 साल से एमपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भविष्य परीक्षा नहीं लिए जाने से अंधकार की ओर बढ़ रहा है। विधायक अनिल बोंडे ने पत्रकार द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये कहा कि पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर जो बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है, ऐसे दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कर सरकार उन्हें निलंबित करे। ऐसी जानकारी विधायक अनिल बोंडे इन्होंने दी है। एक गोष्ट लक्षात ठेवा की त्यावेळेला पोलीस इन्स्पेक्टर चोरमाले यांनी अमानुषपणे त्या शांततापूर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केला। ज्या मुली चालल्या होत्या त्यांना सुद्धा लाठ्या फेकून मारल्या। त्या विद्यार्थ्यांची सुद्धा स्टेटमेंट आहे। एवढंच नाही तर 27 विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना त्या गाडीमध्ये कोंबलं। त्याच्याबद्दल फक्त त्याला विचारणा केली तर तो म्हणतो की या विद्यार्थ्यांनी कायदा मोडला आणि या हे ते विद्यार्थी जिल्हाधिकाऱ्याकडे जात असताना यांनी अडवलं, अमानुषपणे मारलं। खरं म्हणजे विद्यार्थी संतप्त यामुळे झाले होते की 14/21 केलं आणि त्या चोरमालेला फक्त त्या पोलीस इन्स्पेक्टरला त्यांनी केलेल्या कारवाईबद्दल बोलल्यानंतर तो जेव्हा भडकला, उद्धटपणे बोलायला लागला, त्यावेळेला त्याला सरकारी कुत्रा म्हटलं, संपूर्ण पोलीस अधिकाऱ्यांना नाही म्हटलं। हे महत्त्वाचं लक्षात ठेवा। आणि त्या चोरमालेबद्दल आता चौकशी केली असता 1 वर्षात 3 ठिकाणाहून बदल्या झाल्या, कारण की लोकांनी त्याच्याविरुद्ध आंदोलन केलं। वलगावला, फ्रेझरपुऱ्याला असा उद्धटपणे सामान्य नागरिकांसोबत बोलणारा, वर्तन करणारा तो पोलीस अधिकारी आहे। कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अफसोस कि आज भी लाखों विद्यार्थी एमपीएससी परीक्षा से वंचित है। इस ओर केंद्र या राज्य सरकार या फिर जिलाधीश प्रशासन छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखकर कब एमपीएससी की परीक्षा लेगी, इस ओर राज्य के तमाम छात्रों की निगाहें लगी हुई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ संजय मिरे, BC News नागपुर।